आई एम राजेंद्र फ्रॉम प्राइम विजन ऑटोमेशन सॉल्यूशन जयपुर से। आज हम बात करते हैं सोलर कूलर की। सोलर कूलर मींस जो सोलर से चलता है, जिसके अंदर एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी बैंक से भी उसको अपने चला सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सोलर कूलर की। आप जो इस साइड देख रहे हो ये पैनल लगा हुआ है, और इस साइड जो देख रहे हो ये कूलर है। ये पैनल है जो अपने दिन के अंदर सूरज से जनरेशन देगा और साथ में कूलर भी चलाएगा, और पैरेलली क्या करेगा, इसमें बैटरी लगी है, बैटरी को भी चार्ज करता रहेगा। अब हर जगह अपने देखते हैं कि राजस्थान के अंदर काफी सारी ऐसी जगह हैं, अब तो खैर नहीं है, पहले तो था, जैसे लाइटें नहीं आती थी, दिन में चली जाती थी, जनरेशन लाइट का कम हो रहा है तो क्या है, कट आउट लगते हैं, हमें लाइट कट लगते रहते थे, इस वजह से रूरल एरियाज के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स होती थी। अब तो फिर भी कम हुई है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बचाने का तरीका है, कुछ सेफ्टी पॉइंट्स भी इसके अंदर, उसके उस पर भी अपने बात करेंगे, कुछ सेफ्टी पॉइंट्स है उनका भी अपने बात करते हुए चलेंगे, क्या क्या सेफ्टी पॉइंट्स है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी अपनी। और जैसे अगर एक बात करते हैं, मैंने भी रिसेंट पिछली गर्मियों में सुना था कि काफ़ी मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनके यहाँ पे कहीं एक दो जगह भी कूलर से करंट लगने से एक्सपायर हो गए, तो इसमें वो भी एक अपने डर नहीं है, अभी करंट लगेगा या कोई करंट का झटका लगने की वजह से अपने जान चली गई, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, तो सेफ्टी भी है इसके साथ में। तो अपने क्या क्या है ये देखते हैं। ये पैनल लगा हुआ है, पैनल एक स्टैंड पे माउंट किया हुआ है, तो कूलर अपने एक रूम में फिक्स कर सकते हैं, फिक्स करने के बाद में बाहर धूप में ये पैनल अपने लगा सकते हैं। इसके साथ में पैनल के साथ में क्या एक वायर भी दिया गया है, जो कि काफी लंबी डिस्टेंस का है, 10-12 फीट का वायर है, तो 10-12 फीट डिस्टेंस दूर तक अपने कूलर इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, वायर भी लगा हुआ है इसके अंदर। अगर अपने को ज्यादा डिस्टेंस पे भी करना है, ज्यादा डिस्टेंस पे लॉन्ग वायर भी अपने इसमें माउंट कर सकते हैं। पैनल लगाया हुआ है स्टैंड के ऊपर, तो पैनल एडजस्टेबल है, जिस एंगल पे जिस डायरेक्शन में अपने रखना है, साउथ फेसिंग में रखना है तो साउथ फेसिंग में कर लो, जिस एंगल पे अपने को इसको माउंट करना है उस एंगल पे अपने इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस पैनल को। पैनल के साथ में पीछे चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, चार्ज कंट्रोलर चार्जिंग को कंट्रोल करेगा, बैटरी को डिस्चार्जिंग से रोकेगा और चार्जिंग से भी रोकेगा, कट करता रहेगा। और यहाँ पे इसके अंदर बैटरी लगी हुई है, जो कि जब नाइट के अंदर जब अपना जनरेशन नहीं होगा तो बैटरी से ये सोलर कूलर अपना चलता रहेगा। तो इसकी एक खास बात ये है कि ये पोर्टेबल है, इसको अपने कहीं भी लगा सकते हैं, कैरी करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात कि नाइट के अंदर भी इसमें जो लाइट चली जाती है तो 4-5 घंटे का बैकअप दे देता है। अगर फिर भी अपने को ऐसा लगता है कि भाई 4-5 घंटे कम है, तो अपने एक बैटरी इसके अंदर एच बढ़ा करके एड ऑन करके अपने बैकअप इसका बढ़ाया जा सकता है। कूलर है, कूलर की एक खास बात इसमें यह है कि ये डीसी पे ऑपरेट हो रहा है, डीसी पे ऑपरेट हो रहा है मीन्स कि इतना करंट लगने का इसमें डर नहीं है, 12 वोल्ट है, ज़्यादा वोल्टेज भी नहीं है और ज़्यादा करंट भी नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा करंट और मिनिमम वोल्टेज, मिनिमम करंट होने की वजह से इसके अंदर क्या है, करंट लगने का भी बिल्कुल ही 0% चांसेस है। अब मान लो लगता भी है तो अपने को महसूस भी नहीं होगा कि भाई करंट लगा है, क्या दिक्कत है ना, तो वो एक दिक्कत भी इसमें नहीं आएगी। दूसरी बात कि इसमें अपने कुछ एड ऑन फीचर्स भी कर सकते हैं, जैसे पानी ठंडा करने के लिए इसमें कुछ मतलब इस तरीके से एक एडजस्ट सिस्टम बनाया जा सकता है कि भाई जैसे जैसे एयर फिल्टर हो गया ठंडी, उसके साथ में पानी भी अपने को ठंडा फिल्टर हो करके मिले, है ना, तो अपनी एनर्जी ये भी हो गया। दूसरा अपनी एनर्जी सेविंग हो रही है, मतलब सोलर से जनरेशन हो रहा है, मेन लाइन से अपने इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले रहे हैं इसको चलाने के लिए, तो ये अपना एक एनर्जी सेविंग भी है इसके अंदर। तो कूलर के अंदर आप अपने देखते हैं, इसके अंदर दो बटन दिए हुए हैं कूलर के, एक पंप का है, एक फैन का है, इससे अपने फैन ऑपरेट कर सकते हैं, इससे अपने पंप ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम इधर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या, इसमें मोटर वगैरह क्या क्या लगी हुई है, आइए हम देखते हैं इधर।